आजकल के लड़के ना इस पे मरते हैं, तेरी जैसी गवार पे नहीं। आई थिंक आपको ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ओ बहन जी को इंग्लिश भी आती है। ओए वेट्रेस इधर आके ऑर्डर ले ले। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा आपने मुझसे? हाँ तो भूत से तो बोलूंगी ना, तू वेट्रेस है तुझसे ही बोलूंगी ना। मैं आपको वेट्रेस दिखाई दे रही हूँ? नहीं, झांसी की रानी दिखाई दे रही है। अपनी हालत देख, अपने कपड़े देख, साड़ी कौन पहनता है आजकल? नहीं तू तो वेट्रेस दी, तू तो बर्तन मारने वाली लग रही है। आजकल का जमाना ना शॉर्ट ड्रेस पहनने का है, स्मार्ट दिखने का है। मुझे देख, मेरा आउटफिट देख, तेरी इस 50 रुपए की साड़ी से ना तो लाख गुना बेटर है। आजकल के लड़के ना इस पे मरते हैं, तेरी जैसी गवार पे नहीं। आई थिंक आपको ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ओ बहन जी को इंग्लिश भी आती है। जिस तरीके की तेरी औकात है ना, तेरा इंग्लिश बोलना बनता तो नहीं है। अरे बेबी क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, ऑर्डर दो और काम खत्म करो। इसकी अकड़ देखी, अभी भी वहीं खड़ी है। इधर आओ और हमारा ऑर्डर ले चल। मैं यहाँ की कोई वेट्रेस नहीं हूँ जो आपको ऑर्डर लूंगी। ओफो बेबी, आजकल के लोग भी ना छोटी जॉब कर लेते हैं, फिर वेट्रेस बोल दो तो बुरा मान जाते हैं। इससे अच्छा पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी कर लेती। काव्या मैम राइट? ABNG लिमिटेड की CEO एंड फाउंडर। राइट, हाय। मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने देखा कैसे आपने IIT से पढ़ाई करी, IIM से MBA करी और उसके बाद एक 5,000 रुपए का स्टार्टअप खोला, और जो देखते ही देखते 5,000 रुपए का स्टार्टअप एक 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गया। अरे इट्स नथिंग, बस किस्मत ने साथ दे दिया और कुछ नहीं। मैम मैंने आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट की बुक्स भी पढ़ी है। ओह थैंक यू। मैम आप ABNGO की CEO हैं? जी हाँ बिल्कुल। मैम तो पिछले 4 साल से विदेश में थी, इनकी शक्ल भी काफी लोगों ने नहीं देखी। इनकी जो कंपनी है इंडियन लेवल पे तो टॉप पर है ही, इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पर भी टॉप पर है। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो आप गूगल कर सकते हैं। मैम कैन आई हैव अ सेल्फी प्लीज? या श्योर। थैंक यू मैम। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी ड्रीम कंपनी की CEO हैं। मैं इसी के इंटरव्यू के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। तुम जैसे लोगों को ना हमारी कंपनी में तो क्या, हमारे देश में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें शर्म आती है ना हमारी देश की संस्कृति और पहनावे पर, और मुझे अफसोस होता है तुम पे और तुम्हारी सोच पर। क्या खराबी है इन कपड़ों में? मैं तो इतने सालों से विदेश में थी लेकिन फिर भी अपने पहनावे को कभी नहीं भूली, और तुम शायद इस देश में रहकर ही ना अपनी संस्कृति को भूल चुकी। तुम शॉर्ट क्लोथ्स पहनती हो वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, मैं तो तुम्हें जज नहीं कर रही। तो तुम कौन होती हो मुझे जज करने वाली? तुम जैसे लोग ना 4 दिन कॉलेज गए नहीं कि बस। मैम आई एम रियली सॉरी, मैं घमंड में सब कुछ भूल गई थी। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी? सॉरी वो तो तुम डिज़र्व नहीं करती, लेकिन हाँ किसी दिन अगर तुम्हें समझ में आ जाए ना कि तुमने क्या किया, शायद तुम्हें माफ़ी मिल जाए। आइंदा ऐसा मत कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का परफेक्ट मैसेज मॉरल क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोग कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।